बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक नजर टॉप 10 खबरों पर। गुजरात में दूसरे चरण के लिए कल मतदान, 93 सीटों के लिए तैयारियां जारी, 833 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए मतदान, दिग्गजों ने डाले वोट, दोपहर 2 बजे तक 30% हुआ मतदान। एमसीडी चुनाव के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप, बीजेपी समर्थक 450 लोगों को वोट काटे जाने की कही बात। G20 बैठक के लिए रोशनी से सराबोर हुआ उदयनगर, आज शाम को होना है G20 रेशपा की पहली बैठक का आगाज। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी की बैठक, शीतकालीन सत्र और तमाम मसलों पर चर्चा। सीकर हत्याकांड में हथियार समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। योगीराज में बाहुबलियों के कुनबे पर एक्शन जारी, पूर्व विधायक विजय मिश्रा की बहू का लखनऊ में 12 करोड़ का है फ्लैट कुर्क किया गया। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी जननायक टुंडिया भील को किया नमन, प्रतिमा पर अनावरण। जौनपुर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा, 20 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी, कई लोगों की मौत की खबर। चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाड़ी खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी।